साथियों, इस समय जनपद बलिया में है और जनपद बलिया में आए दिन तमाम ऐसे खबरें आती रह रही है और सामने कुछ इस तरह से खबरें हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिव गोविंद। शिव गोविंद कहाँ के रहने वाले हैं? अरसतार। अच्छा, क्या मामला है आपका? खेत का मामला। खेत का, तो क्या खेत में क्या समस्या आ रहा है? समस्या यही आ रहा है ना, वो जबरदस्ती कर रहा है, भूल जतने नहीं दे रहा है। अच्छा, तो किसका खेत है? खेत हमारा है। अच्छा, तो क्यों जबरदस्ती आपसे कर रहा है? अब जबरदस्ती कर रहा है वो, अभी वो 3-4 आम अकेला है इसलिए जबरदस्ती कर रहा है। आपका खेत है, दूसरा जबरदस्ती कर रहा है, आखिरकार वो क्यों उस पर हावी हो रहा है? आखिरकार क्या मामला है वो बताइए। वो जो खेत खेत एक मंडा का बात हुआ था 10 लाख में। अच्छा, आप अपने खेत को बेचे हैं? बेचे हैं और बाकी हमारा 7 नंबर और वो भी दिखा लिया सब। तो कितना पूरा आपका रकबा है वहाँ? कम 2 बीघा है। अच्छा, 2 बीघा। 2 बीघे में आप कितना उसको बेचे हैं? एक नंबर बेचा है। आपका नाम? सरोज। क्या लगेंगे इनका? इनका हम पतो लगा। अच्छा, ये खेत किसके नाम से? मेरे ससुर के नाम। अच्छा, तो मामला क्या आ गया इस समय? जी, मामला ये चट्टी चौराहा पर जाते रहना, चाय पिए वहाँ बैठत रहना हाँ। वो हवा तहसील के वकील हवा, पैसा से भी दबंग हवा। अच्छा। स्कूल भी चलावे ला, इस शाम को देखत रहना हाँ, तो बुलावत रहना हाँ, तो चल गई ना। ओकर बाद फिर दूसरा दिन कहना कि यही है, तो यो चल गई ना। तीसरा दिन का खेत बाड़ी का बात करे लगना, तो ये कहना कि हमके एगो नंबर बेचे के है। तो कहना कि ठीक है, केहू से ये बात मत बताइए कि हमके खेत बेचे के बा, अपने पतो से भी मत बताइए, ये केहू से ना बतौला। इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक सब अपने हाथ में ले लेला। ओकरे बाद हमके ना जानकारी बन के स्कूल में बैठा के मैं हमारा 7 नंबर लिखा लेना, 7.5 लाख। बात क्या हुई थी? 7 नंबर आपका खेत है, बात क्या हुआ था जी उससे पहले आपका? बात ही भैल ला, 1 कट्ठा का बात भैल ला 10 लाख में। अच्छा। आ 10 लाख में बात भैल ला, अब हमारे 7 नंबर लिखा लेना 7.5 लाख में। तो आप लोग को ये जानकारी कब हुआ? वो हमके जानकारी 1 तारीख के लिखा ला, 2 तारीख के हमके जानकारी भाई। अच्छा। हम 100 नंबर भी डायल कर ले रहने, 100 नंबर आए, इनके स्कूल में बैठौले रहना, ताला लाख कैले रहना। हम लोग खोजत खोजत तब पता चलल कुछ, तो हम लोग 100 नंबर बोलौनी आयल 100 नंबर, तो इनके इनके छिपा के फिर 100 नंबर के हटा दिया लो। ओकरे बाद इनके निकाल के आ ले जाके बस स्टेशन छोड़ आयल रहना। अच्छा। हमारे ससुर के कहे कि झूठ बात है, झूठ बात है। तब हम इनके जानकारी भैल, थाने पर गईनी, DM की हन, SP की हन, पुलिस अधीक्षक की हन, महिला योजना, CM की हन, हर जगह दरखास्त डाले बनी, कहीं भी हमार सुनवाई नहीं बा। कोर्ट में भी गई बनी, कहीं हमार सुनवाई नहीं बा। अच्छा, ये कागजात वही है? हाँ, वही है। ये है बैनामा, ये 10 लाख इसमें जारी भी किया गया है और 10 लाख का जो है इसमें जारी होने के बाद इसमें जो है दे स्टाम्प जो लगा है 1,40,000 का। आपको बता दूं कि शिव गोविंद पुत्र दशरथ साकिन पोस्ट फरसा टार है और परगना इनका सिकंदरपुर पड़ता है। ये जो है इनका मामला है और आगे जो है इनका ये मामला आ गया है कि ये 10 लाख का तो जो है तय था, लेकिन ये बता रहे हैं कि 10 लाख में कीमत इनको कितना मिला है आप? 7.5 लाख। 7.5 लाख जी। तो वो पैसा उसी दिन मिला या दूसरे दिन? दूसरे दिन जी। तो ये बताइए कि 10 लाख में जो है आप लोग को ये पूरा बात हुआ था, लेकिन 7.5 लाख मिला, अभी भी पैसा अधूरा और पूरा आप लोग का नंबर भी जो है लिखा लिया गया है। जब ये रसीद कटती है तो उस समय जो है पूरे जो क्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं, दोनों को बैठाया जाता है और विक्रेता से पूरी जानकारी ली जाती है कि आखिरकार उनके जो है संतुष्टि से ये कार्य हो रहा है या फिर उनको जो है छुपा कर। लेकिन इनके साथ जो है उस समय क्या मतलब ना, वो टाइम का पब्लिक नहीं था, खाली वो था जो दिखाने वाला था, इसी टाइम बोलते हैं ना उसको, वही सब से नहीं। अच्छा। और बाकी आदमी कोई कोई था नहीं। चलिए, पब्लिक से नहीं मतलब आप थे ना मौके पे? हाँ, तो आपसे क्या वहाँ कहा गया, आपसे पूछा गया होगा कितना बेच रहे हैं? हमको पिया खिया दिया था, हमको होश हो जाओ, हम कहाँ स्कूल में कुछ मतलब तस्वीर में ले आके वही की दया था। अच्छा, आप साथ में नहीं गए थे? जी, कोई नहीं जानकारी, इनका इनका दयाद है, चचेरा भाई है, कोई का जानकारी नहीं मिला कि ये काम हो रहा है। अच्छा। जी, आप ही सिर्फ गए थे? हम आप स्कूल में मन किया था, स्कूल में से निकाला, गाड़ी पर बैठा है, गाड़ी पर बैठा चलो घूम के चाय पानी पी के आएंगे, चल लेके दिया के हमको गया, अंदर वहाँ गया था, हम चुपचाप बोला बैठो,
आज इनके परिवार को छुपाकर ये काम किया गया। आज ये इनका जो है घर की एक बहू है, इनको भी जानकारी नहीं था। हालांकि ये जो है पढ़े लिखे नहीं है, ये थोड़ा शिक्षित है, कुछ जानकारी इनको है, लेकिन इनको बताया नहीं गया। अरे नहीं, जानकारी रहता तो हमें दौड़ते हैं। आप घर क्यों नहीं बताया? तो पहले गलती की है। हाँ, गलती तो हमारा ही है। किसके जो है दबाव से आप नहीं बताया? वही बताया, कोई दबा के वही बताया, बोला बस किसी से बताना। आज सब जगह आप चक्कर काट रहे हैं, फिर भी आपका सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। मर गया तब से दिमाग का कमजोर हो गया है। अच्छा, हाँ, एक ही लड़का, वो भी गुजर गया, दिमाग का कमजोर हुए। अच्छा, आप लोग अब क्या चाहती है? तो बहुत धोखा आप लोग के साथ हुआ है, तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी आपके पास पहुंची मौके पे, क्या आप लोग को बताया गया कि जो ये हुआ है इसमें जो है आप लोग को क्या न्याय के लिए बात चल रही है? आप बता रही कि 100 नंबर मौके पे आई थी, फिर आपसे क्या बात हुआ? जी, सुनवाई का कह रहे हैं कि लिखे हैं तब न लिखाया है, तो ये तो धोखा से लिखाए हैं। और सब जगह हम अपना एप्लीकेशन डाले हैं, तहसील दिवस, थाना दिवस, एसपी के, डीएम के, सब जगह डाले हैं, कोई सुनवाई हमारे नहीं है। इतने सारे मामला होने के बाद अब हर एक दफ्तरों का आप चक्कर काट रही हैं, अब क्या मांग कर रही हैं, आपका क्या जो है मांग है? जी, हमारा यही मांग है कि हमारा तो हस्बैंड मर गए हैं, हमारे एक ही लड़का है, हम उसको पढ़ाएं कि लिखाएं। एक हमारा जीव का खेत था, वो भी लोग लिखा लिए हैं, तो हम जी कर क्या करूंगी? हम हमारा जो जोत रही हूँ, बो रही हूँ, उस पर भी आकर रुकावट हो गया है। अच्छा। वो पैसा से भी दबंग है। जब खेत में मैं जा रहा हूँ तो उसमें पुलिस लेकर हाजी हो रहे हैं कि मत रोपो, तुमको मार देंगे जान। सरकार से यही अपील करूंगी कि निवेदन है कि हमारा वही जीविका है, हमारा नहीं न्याय मिलेगा तो हम जी कर क्या करूंगी? एक लड़का है, हम हैं और ससुर है, सब हम लोग फांसी लगा कर मर जाएंगे और क्या कर सकते हैं? जब हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई हमारी मदद नहीं करता है, तो क्या करूंगी?